नमस्कार साथियों साथियों, हमारे चारों तरफ सूचनाएं प्राप्त करने के अनेक साधन जैसे पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, यहाँ तक कि इंटरनेट पे भी अनेक अधिगम संसाधन उपलब्ध हैं, जिन्हें पढ़ने व समझने की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति जो प्रभावी रूप से पढ़ना जानता है, वह स्वयं ही जीवन के किसी भी क्षेत्र में खुद को शिक्षित कर सकता है। और इसी प्रकार यदि हम अपने छात्रों को भी ऑटो लर्नर्स बनाना चाहते हैं, जो स्वयं से ही अधिगम के लिए प्रेरित हों, तो उनमें प्रभावी वाचन कौशलों का विकास करना अति आवश्यक है। आज इस सत्र में हम वाचन कौशलों के प्रकार व प्रभावी वाचन कौशल के विकास में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करेंगे। वाचन को संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके द्वारा छात्र लिखित सामग्री के अर्थ को समझने के लिए भाषा संकेतों को डिकोड करते हैं और उसे सार्थक भाषा के रूप में पढ़ पाने में सक्षम होते हैं, जो छात्र के अधिगम को सुलभ व सुगम बनाती है। वाचन कौशल छात्र में कॉग्निटिव एबिलिटीज जैसे कल्पना, चिंतन आदि के विकास के साथ साथ उनमें सृजनात्मकता को भी विकसित करने में मदद करते हैं। इनके द्वारा छात्र को शब्दावली और वर्तनी का बृहत ज्ञान होता है और इसीलिए यह बोले और लिखे जाने वाले दोनों प्रकार के संचार को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। इसके साथ ही साथ वाचन में समझ, स्वतंत्रता व प्रवाहशीलता को विकसित करना वाचन कौशल का महत्वपूर्ण कार्य है। वाचन में स्वतंत्रता का अर्थ है कि छात्र किसी भी लिखित सामग्री को किसी दूसरे छात्र, शिक्षक या किसी भी अन्य व्यक्ति की सहायता के बिना पढ़ सके व समझ सके। स्वतंत्र वाचन व वाचन उपलब्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। यह शब्दावली निर्माण, प्रवाहशीलता, पृष्ठभूमि ज्ञान, वर्तनी आदि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि अभिप्रेरणा की भी स्वतंत्र पठन में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो छात्र पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं, वह स्वतंत्र वाचन के लिए भी अधिक प्रेरित होते हैं। वाचन में समझ से तात्पर्य है पाठ को संसाधित करने, उसके अर्थ को समझने तथा पूर्व में सीखी गई सामग्री के साथ उसे एकीकृत करने की योग्यता। सूचना संसाधित करने में प्रकट सूचना को अव्यक्त सूचना में एक श्रृंखलाबद्ध रूप में संसाधित किया जाता है, जिसमें ध्यान, धारणा, अल्पकालिक स्मृति आदि प्रयोग में आते हैं। सूचना संसाधित करने की क्षमता पाठ को समझने की क्षमता को प्रभावित करती है। यदि किसी छात्र के लिए शब्द की पहचान करना ही कठिन है, तो वह अपनी सूचना प्रोसेसिंग क्षमता का अधिकांश भाग शब्द की पहचान करने में ही लगा देगा, जिससे पाठ का अर्थ समझने की उसकी योग्यता कम हो जाए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तभी अच्छा होता है जब छात्र स्वयं अर्थ का निर्माण करते हैं, क्योंकि उस समय वह लिखित शब्दों और अपने विचारों के बीच में एक इंटरैक्शन भी कर रहे होते हैं। वाचन में प्रभावशीलता का अर्थ है आसानी से, सुचारू रूप से व अर्थपूर्ण ढंग से पाठ पढ़ने की क्षमता। इसके तीन घटक होते हैं, पहला गति, दूसरा सटीकता तथा तीसरा प्रयुक्त लय व ध्वनि के पैटर्न्स। वाचन प्रवाह युक्त छात्र पाठ को अपनी आयु तथा वर्ग के अनुसार उचित गति से पढ़ते हैं। उनमें अत्यधिक स्वचलित शब्द पहचान क्षमता होती है। जब ये बोलकर पढ़ते हैं, तो ध्वनि की पिच, तनाव तथा समय का बखूबी ध्यान रखते हैं। आइए अब बात करते हैं वाचन कौशलों के प्रकार की। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला गहन वाचन या इंटेंसिव रीडिंग और दूसरा व्यापक वाचन या एक्सटेंसिव रीडिंग। गहन वाचन की ब्राउन की परिभाषा के अनुसार, गहन वाचन शाब्दिक अर्थ, निहितार्थ, अलंकारिक संबंधों और उद्देश्य को समझने के लिए व्याकरणिक रूपों, संवाद चिन्ह तथा पाठ्य वस्तु संरचना पर ध्यान देता है। इसमें एक छोटी पाठ्य वस्तु को अच्छी तरह से व गहराई से तथा एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ पढ़ा जाता है।
जिसमें छात्र पाठ्य वस्तु के कठिन शब्दों के अर्थ, उसमें छुपे हुए संदेश और प्रयुक्त अलंकारिक भाषा को समझते हुए वाचन करते हैं। दरअसल गहन वाचन एक जूम लेंस रणनीति पर कार्य करता है, जिसमें जितनी एकाग्रता के साथ हम पढ़ते हैं उसका उतना ही उपयुक्त व उचित अर्थ हम समझ पाते हैं। गहन वाचन का उद्देश्य केवल पढ़ने के कौशल का अभ्यास करवाना ही नहीं है, अपितु यह भाषा विकास पर बल देता है। भाषा विकास जो कि बालक की समग्र विकास का एक हिस्सा है, उसको इस वाचन कौशल द्वारा उन्नत किया जाता है। इसमें संवाद करना, भावनाओं को व्यक्त करना, भाषा की समझ आदि सिखाने का उद्देश्य सम्मिलित होता है। और ये सारे उद्देश्य शिक्षक अपने शिक्षण लक्ष्यों और कार्यों के साथ ही साथ पूरा करते हैं। गहन वाचन के लिए पाठ की लंबाई छोटी रखी जाती है, क्योंकि गहन वाचन का लक्ष्य अधिक मात्रा में वाचन करवाना नहीं होता, बल्कि विषय वस्तु सिखाना, शब्दावली सिखाना, लेखक के विचारों का ज्ञान करना, ये सब इसके लक्ष्यों में सम्मिलित है। गहन वाचन का मुख्य लक्ष्य पाठ सामग्री के शब्दों, वाक्यांशों, शब्द क्रम और भावों का विस्तृत अध्ययन करना है, जिससे छात्र में पाठ्य सामग्री की संरचना व अर्थ समझने की क्षमता विकसित हो। इसे हम एक वाक्य उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। ओरसन की माँ रात के भोजन के लिए इराची लेने गुदुम्बा गई है। अब गहन वाचन के द्वारा इस वाक्य को पढ़ते समय छात्र इसका विश्लेषण करेंगे और समझ पाएंगे कि ओरसन किसी व्यक्ति का नाम, इराची किसी खाद्य वस्तु का नाम तथा गुदुम्बा किसी स्थान या बाजार का नाम है। गहन वाचन का अगला उद्देश्य पाठ के माध्यम से लेखक द्वारा दिए गए संदेश को पहचानना, पाठ के निष्कर्ष को बता पाना और पाठ के मुख्य विचारों को संकलित कर पाना है। उदाहरण के तौर पर लेखक अपनी कहानी या लेख में बालिका शिक्षा की समस्याओं का वर्णन करता है, तो छात्र से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि लेख पढ़ने के बाद वह बालिका शिक्षा की समस्याओं पर चिंतन कर सके, वह उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाल सके या बालिका शिक्षा की समस्याओं के लिए कोई समाधान बता सके। आमतौर पर गहन वाचन कक्षा में ही करवाया जाता है तथा व्यापक वाचन की तुलना में अधिक प्रयोग किया जाता है। छात्र भाषाई और अर्थ संबंधी विवरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और नई शब्दावली को सीखते हैं। नई शब्दावली सीखकर छात्र उसका प्रयोग करना सीख जाते हैं और फिर चित्रांकन कर पाते हैं, जैसे कि किसी मुहावरे को सीखकर उसका प्रयोग या चित्रांकन दूसरी परिस्थिति में करना। अधिक समझ विकसित करने के लिए इस वाचन को छात्र उसी पाठ सामग्री के साथ कई बार दोहराते भी हैं, जिस कारण उन्हें अधिक मानसिक प्रयास करना पड़ता है और छात्रों की अधिक मानसिक ऊर्जा व्यय होती है। गहन वाचन के लिए आदर्श पाठ्य सामग्री पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त समाचार लेख, विकिपीडिया लेख, छोटी कहानियां या इंटरनेट पर ब्लॉग पोस्ट हो सकते हैं। गहन वाचन की अनेक विशेषताओं के साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे इसमें पाठ की गति तथा प्रवाह पर कम ध्यान दिया जाता है और छात्र पाठ को धीरे धीरे पढ़ते हैं, जिससे पाठ पूरा करने में अधिक समय लगता है। चूंकि पूरी कक्षा एक ही पाठ्य सामग्री को पढ़ती है, इसलिए किसी छात्र को तो वह पाठ्य सामग्री सरल लगती है परंतु किसी को कठिन। कुछ छात्र उसमें रुचि लेते हैं जबकि कुछ छात्र पाठ में रुचि नहीं लेते। अतः शिक्षक ये कर सकता है कि वह छात्र को वाचन के लिए प्रेरित करे या फिर कभी कभी उनको उनकी रुचि की पाठ सामग्री चुनने की स्वतंत्रता भी दे। दूसरा वाचन कौशल है व्यापक वाचन। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें पठन अधिक मात्रा में होता है। 1964 में भारतीय शिक्षा आयोग ने छात्रों के लिए व्यापक पठन की अत्यधिक सिफारिश की थी। इसे मुक्त वाचन व
बाण वाचन या आनंद वाचन आदि नामों से भी जाना जाता है। इसमें छात्रों को पढ़ने के लिए अधिक मात्रा में सामग्री दी जाती है। किसी दूसरी भाषा जैसे संस्कृत, बंगाली आदि या फिर कोई विदेशी भाषा जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच आदि पढ़ने के लिए व्यापक वाचन कौशल का प्रयोग किया जाता है। विषय वस्तु को सामान्य रूप से समझने के लिए तथा समग्र रूप में उसका अर्थ जानने के लिए व्यापक वाचन शीघ्रता से किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों में आनंद व मनोरंजन के साथ साथ वाचन के प्रति आत्मविश्वास जागृत करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार पुस्तकों का चुनाव करने की स्वतंत्रता दी जाए। व्यापक वाचन तब शुरू किया जाता है जब छात्रों ने कम से कम 500 शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर ली। इसका मतलब है कि यह वाचन मिडिल स्कूल स्तर पर शुरू किया जाता है, क्योंकि तब छात्रों में शब्दों को तुरंत पहचानने की क्षमता विकसित हो चुकी होती है। इस स्तर पर गति तथा प्रवाह दोनों विकसित हो गए होते हैं तथा भाषा को संसाधित करने की क्षमता भी आ जाती है। अतः यहाँ पर ये वाचन प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। जब एक बार छात्र गति से पढ़ने में सक्षम हो जाता है और उसमें पढ़ने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित हो जाता है, तो वह नई शब्दावली सीखने और प्रभावी लेखन के लिए स्वतः प्रेरित होता है, जिससे छात्र में सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है, अर्थात उसका स्वयं की क्षमताओं में अधिक विश्वास जागृत होता है। व्यापक वाचन के लिए आदर्श पाठ्य सामग्री है द्विभाषी पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं जैसे नंदन, बाल भास्कर आदि, हास्य किताबें और उपन्यास आदि। व्यापक पठन में शिक्षक एक मार्गदर्शक, प्रोत्साहनकर्ता व पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है। वह छात्रों को विद्यालय के बाद अपने खाली समय में समय के सदुपयोग करने हेतु पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कक्षा में वह अपने शिक्षण गतिविधियों को डिजाइन करते समय छात्र केंद्रित वाचन गतिविधियों को भी स्थान देता है। छात्रों को वाचन के समय आने वाली कठिनाइयों के बारे में उनसे पूछता है और उन्हें सुधार के लिए आवश्यक परामर्श भी प्रदान करता है। साथियों, वाचन महत्वपूर्ण है। यह केवल हमें लिखित सामग्री को पढ़ने की योग्यता ही नहीं देता, बल्कि हमारा मानसिक विकास करता है, हमारे मस्तिष्क को सक्रिय रखने में, रचनात्मक क्षमताओं के विकास में, संचार कौशलों के विकास में, सभी में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और इसीलिए छात्रों में प्रभावी वाचन कौशल विकसित करना हमारा परम दायित्व है, क्योंकि ये आदत उनमें सिर्फ विद्यालय जीवन में ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन काल में उनकी अधिगम का मार्ग प्रशस्त करेगी। धन्यवाद।